ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद हमारे एथलीट्स का प्रदर्शन इतना बेहतर कैसे हो गया? आपने देखा है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में भी भारत ने इतिहास रच दिया। यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत ने मेडल्स का नया रिकॉर्ड बनाया। ये अचानक ही नहीं हुआ है, देश के खिलाड़ी की मेहनत और जज्बे में पहले भी कमी नहीं थी, लेकिन बीते 10 वर्षों में उसे नया आत्मविश्वास मिला है, कदम कदम पर सरकार का साथ मिला है। पहले खेलों में भी जिस प्रकार के खेल होते थे उनको हमने बंद किया है। बीते 10 वर्षों में सरकार ने रिफॉर्म्स किया, खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया और स्पोर्ट्स का पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया। आज खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से देश के हजारों एथलीट्स को हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा की मदद दी जा रही है। 2014 में हमने टॉप्स यानी टीओपीएस यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को लॉन्च किया था। इसके जरिए हमने टॉप एथलीट्स की ट्रेनिंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर और बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया। अब हमारी नजर इस साल पेरिस और 2028 के लॉस एंजेलस ओलंपिक गेम्स पर है। इसके लिए भी टॉप के तहत खिलाड़ियों को हर संभव मदद की जा रही है। फ्रेंड्स, टुडे वी आर नॉट वेटिंग फॉर यू टू कम टू स्पोर्ट्स, वी आर टेकिंग स्पोर्ट्स टू यूथ।